वेलकम बैक दोस्तों। तो मूवी का नाम है वॉय और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो कल ही प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई और इसी तरह क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी में काफी सारे ट्विस्ट है, सस्पेंस है, उसी तरह इस मूवी में एक मैसेज भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो घबराई हुई रहती है और उसी तरह उस घर की लाइट भी नहीं होती कि तभी इस लड़की को कोई चीज नजर आती है जिसकी वजह से ये लड़की चीख मारने लगती है और यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में एक फिल्म के लोकेशन को दिखाया जाता है जैसा लगता हो यहाँ पर शूटिंग होने वाली हो और तभी वहाँ पर इस फिल्म का डायरेक्टर आता है और इसका नाम है रघु और रघु इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है। रघु के पास एक मैनेजर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। बंदे का नाम है सुब्बू और बंदी का नाम है चांदनी और आज रघु की फिल्म की आखिरी शॉट है, मतलब इस सीन के बाद रघु की मूवी खत्म हो जाएगी। और उसी सेट पे रघु की बीवी भी होती है और उसका नाम होता है माया। खैर थोड़े दिन बाद रघु की फिल्म थिएटर में रिलीज होती है और काफी सारे लोगों को रघु की फिल्म पसंद नहीं आती, सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स ही देने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हो जब कभी भी कोई मूवी रिलीज होती है तो उसको रिव्यू करने के लिए कुछ लोग टीवी पे आ जाते हैं, तो उसी तरह से ये बंदा रघु की और उसकी फिल्म की बहुत बेइज्जती करने लगता है और ये रिव्यू और ये पब्लिक टॉक सुन के रघु को बहुत गुस्सा आता है और रघु सारा ब्लेम हीरो पर डालने लगता है कि हीरो ने ही अननेसेसरी जगह पर अननेसेसरी सीन्स ऐड किया और इसी की वजह से मेरी फिल्म फ्लॉप हुई है। और हर वक्त रघु के दिमाग में पब्लिक टॉक ही सुनाई दे रहे होते हैं जिसकी वजह से रघु डिप्रेशन में जाने लगता है। उसी तरह रघु बहुत सारी शराब पीने लगता है और उसी दिन रात को रघु ड्रिंक करते हुए अपनी कार में कहीं पर जा रहा होता है बहुत तेजी के साथ और देखते ही देखते रघु अपनी कार लेकर एक ट्रांसफार्मर को ठोक देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली माया का बुरा ख्वाब था। और उसी दिन सुबह माया अपने पति की सलामती के लिए टेम्पल जाती है और पंडित से बताने लगती है कि पंडित जी मैंने सुबह सवेरे इस तरह का ख्वाब देखा, तो वो पंडित माया को कुछ पूजा पाठ करने के लिए कहता है। और इस तरफ रघु अपनी दूसरी फिल्म की तैयारी में लग जाता है। रघु फिल्म की कहानी को लिखने की कोशिश करता है लेकिन कहानी इसी तरह से सेट नहीं हो पाती और इसी दरमियान में चांदनी रघु के घर आती है और माया से रघु के बारे में पूछने लगती है, तो माया चांदनी को रघु के बारे में बताने लगती है कि आजकल वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, हमेशा परेशान रहते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और इसी बातों में चांदनी माया को एक एडवाइस देने लगती है कि मैडम अगर हम चाहे तो एक राइटर को हायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है रघु अपनी फिल्म की कहानियाँ खुद लिखता है, ऐसे में रघु दूसरे राइटर को कैसे हायर कर सकता है। खैर चांदनी जाने के बाद माया रघु के पास आती है उसे बीएफ देने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट देने के लिए, और चांदनी ने जो कहा वो माया रघु को बताने लगती है कि हम एक राइटर को हायर कर सकते हैं, लेकिन रघु इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता और उल्टा वो माया को डांटने लगता है कि अब तुम भी डिसाइड हो चुकी हो कि मैं एक फ्लॉप डायरेक्टर हूँ, क्या मेरा दिमाग बूढ़ा हो चुका है, नहीं मैं दूसरे राइटर को हायर नहीं कर सकता। लेकिन माया रघु से जिद करने लगती है प्लीज मेरे लिए मान जाओ, तो रघु फाइनली मान जाता है। और दूसरे दिन माया सुब्बू को अपने घर बुलाती है और उसे कहने लगती है कि हमें एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है, प्लीज तुम जल्द से जल्द किसी को ढूंढो। तो सुब्बू के पास बालू नाम के एक बंदे का नंबर होता है, वो उसे फोन करने लगता है और इसी का नाम है बालू। अब बालू के बारे में बात करें तो बालू काफी सारी फिल्में लिख चुका है लेकिन डायरेक्टर से बालू को क्रेडिट नहीं दिया, बस उसे पैसे देते रहे। लेकिन यहाँ पर बालू अपना नाम चाहता है, वो डायरेक्टर बनना चाहता है। और फिलहाल बालू अपने फ्रेंड को अपनी फिल्म की कहानी सुना रहा होता है कि तभी वहाँ पर चांदनी आती है और चांदनी बालू की गर्लफ्रेंड है। और जब कभी भी चांदनी बालू से मिलने के लिए आती है तो बालू चांदनी से रिक्वेस्ट करने लगता है, अरे यार प्लीज तुम एक बार अपने डायरेक्टर से मिलवा दो, मुझे एक चांस दिलवा दो। लेकिन चांदनी बालू से कहने लगती है कि वो इतना आसान नहीं है, तुम्हें पता है हर रोज सर को कितने सारे मैसेजेस आते हैं और उनके नीचे काम करना तो बहुत बड़ा सपना है। और इसी में हमें एक और बात भी पता चलती है कि बालू एक फिल्म की कहानी लिख रहा है और उस फिल्म का डायरेक्शन चांदनी को देना चाहता है। खैर जब चांदनी वहाँ से जाती है तो बालू अपने फोन में काफी सारे मिस्ड कॉल्स देखता है और ऑफ कोर्स सुबह नहीं बालू को कॉल किया होता है और बालू से कहने लगता है कि तुम सुबह कल 10 बजे रघु सर के घर आ जाओ, तुम्हें एक बम्पर ऑफर मिला है और हाँ ये बात तुम किसी को मत बताना। तो बालू उसी तरह से दूसरे दिन सुबह रघु के घर आता है। यहाँ आने के बाद माया बालू के बारे में पूछने लगती है तो बालू अपने बारे में बताने लगता है कि वैसे तो इसने काफी सारे फिल्मों को लिखा है लेकिन क्रेडिट किसी ने भी नहीं दिया और बालू ज्यादातर क्राइम फिल्म्स को लिखता है। ये सुनने के बाद रघु बालू से पूछने लगता है क्या तुम अभी के अभी ये कहानी को सुना सकते हो,
तो बालू उसी तरह से माया को और रघु को अपनी फिल्म की कहानी सुनाने लगता है। बालू की कहानी को सुनने के बाद ये दोनों बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और रघु बालू को कल शाम डिनर पे बुलाता है आगे की बात करने के लिए। और दूसरे दिन बालू डिनर के वक्त रघु के घर आता है और रघु बालू से कहने लगता है, बालू तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो बालू कहता है, ऑफ कोर्स सर, आप करिए, आप चेंजेस करेंगे तो मूवी और हिट हो जाएगी। उसके बाद रघु मुद्दे की बात करने लगता है, मतलब बालू को 25 लाख का ऑफर देने लगता है और उसे कहने लगता है, ये पैसे रख लो और तुम मुझे अपनी कहानी दे दो और क्रेडिट्स में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। लेकिन बालू इस बात के लिए मानता नहीं, बालू नाम कमाने के लिए ही इंडस्ट्री आया है, अगर नाम होगा तो ऑटोमेटिकली पैसे भी आ जाएंगे। ये सुनने के बाद रघु उस पर गुस्सा होने लगता है और बालू भी चुप नहीं रहता, वो भी अपनी आवाज़ ऊंची करने लगता है। और इसी तूतू मैमे के दौरान रघु एक बियर की बॉटल लेकर बालू के सर पे मार देता है और बालू उसी वक्त उसी सोफे पे गिर जाता है। ये देखकर बेचारी माया बहुत घबरा जाती है और रघु को डांटने लगती है, मैंने कितनी बार कहा कि तुम गुस्से में कोई कांड मत करो। और बालू को चेक करने के लिए कहती है, जब रघु बालू को चेक करता है तो बालू तो मर चुका होता है। ये सुनने के बाद माया और घबरा जाती है और तभी इनके घर की दरवाजे की घंटी बजने लगती है। जब रघु दरवाजे के पास जाता है तो एक्चुअली वो एक फूड डिलीवरी वाला बंदा होता है और उसे देखकर रघु फौरन बालू को किसी दूसरे कमरे में ले जाता है, मतलब छुपा देता है। उसके बाद माया रघु से सवाल करने लगती है, अब बताओ अब हम क्या करें। तो रघु कहता है, तुम फिकर मत करो, डीआईजी मेरा फ्रेंड है, वो संभाल लेगा। ऐसा कहने के बाद रघु अपने फ्रेंड डीआईजी को कॉल करता है लेकिन उसका फ्रेंड फोन लिफ्ट नहीं करता, जिसकी वजह से रघु अपने फ्रेंड से पर्सनली मीट होने के लिए अपने घर से बाहर जाता है। रघु जाने की थोड़ी देर बाद उस घर की लाइट चली जाती है। ये देखकर माया और घबराने लगती है और उसी तरह से उस घर में अजीब तरह से इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं, जैसे किचन का सामान इधर उधर हो जाना और दूसरे कमरे से एक बियर की बॉटल बाहर आती है। और उसी तरह माया को एक झलक के लिए बालू नजर आता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था और इन्हीं चीजों को देखकर माया घबरा रही होती है। खैर कुछ समय गुजरने के बाद रघु अपने घर आता है और जो कुछ भी इसके घर में हुआ माया रघु को बताने लगती है, लेकिन तभी बालू अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर रघु के सर पे मार देता है जिसकी वजह से रघु नीचे गिर जाता है। और बालू उसी लकड़ी को लेकर धीरे धीरे माया की तरफ आता है उसे मारने के लिए। और जब बालू माया को मारने ही वाला होता है तो माया अचानक से नीचे गिर जाती है और माया को चेक करने पर बालू को ये बात पता चलती है कि माया की डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। और तभी बालू के पीछे रघु आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली इन दोनों का प्लान है माया को मारने का, मतलब माया को नेचुरल डेथ देने का। उसके बाद रघु माया का अंतिम संस्कार करता है, लोगों के सामने झूठा नाटक करने लगता है। और सारे लोग जाने के बाद एक बंदा रघु के पास आता है और ये बंदा रघु का लॉयर होता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअल से ये सारी प्रॉपर्टी माया के नाम पे थी। और ऑफ कोर्स वाइफ के मरने के बाद प्रॉपर्टी किसके नाम पे आएगी, हस्बैंड के नाम पे। और उसी की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ये लॉयर रघु के पास आता है। उसके बाद रघु बालू को अपने घर बुलाता है और बालू को पैसों की बैग देता है और उस बैग में 1 करोड़ होता है। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि बालू हर वक्त रघु को मैसेज करता रहा, अपनी फिल्म की कहानी सेंड करता रहा, लेकिन रघु ने बालू को एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन एक दिन रघु ने बालू की एक स्क्रिप्ट पढ़ी थी जो रघु के प्लान से मैच होती थी, मतलब बालू की फिल्म की कहानी भी कुछ इस तरह की थी कि एक कैरेक्टर को डरा धमका कर मार दे। और रघु फौरन अपने लॉयर को कॉल करके बालू के बारे में पता करने के लिए कहता है। और कुछ दिनों बाद वो लॉयर बालू के बारे में पता करके रघु को बताने लगता है कि बालू फिल्में लिखता है और वो पैसों के लिए अपनी स्क्रिप्ट भी बेच सकता है, मतलब बालू एक टाइप का लालची किस्म का इंसान होता है। ये जानने के बाद एक दिन रघु बालू को अपने ऑफिस बुलाता है और बालू के सामने एक पैसों की बैग रखता है और इस बैग में 1 करोड़ रुपए होते हैं। और ये पैसे देखकर बालू के तो होश ही उड़ जाते हैं। और उसी तरह रघु बालू से कहने लगता है कि उसी बैग में एक फोटो भी है, वो भी निकालो। जब बालू उस फोटो को उठाता है तो वो एक्चुअली माया की फोटो होती है। और इस लड़की को देखकर बालू कहने लगता है, सर एग्जैक्टली इस फिल्म के लिए ऐसी ही लड़की काम आ सकती है, इस लड़की को हम क्या हमारी फिल्म में रख सकते हैं। इस तरह से बालू माया की तारीफ करने लगता है, लेकिन बाद में रघु बालू को कहने लगता है कि वो एक्चुअली मेरी बीवी है और तुम्हें डायरेक्शन नहीं करना, तुम्हें लाइफ करना है, मतलब जो कुछ भी तुमने कहानी लिखी है वो सच्ची में करनी है। ये सुनने के बाद बालू के होश ही उड़ जाते हैं
और रघु से कहने लगता है, सर मैं लालची जरूर हूँ लेकिन किसी का मर्डर ये मेरे हाथ से नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता सर। लेकिन रघु बालू को पैसों की लालच देने लगता है, उससे कहने लगता है अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा और उसे कल शाम का वक्त देता है। घर आने के बाद बालू बहुत देर तक सोचने लगता है, क्या मैं ये काम करूं या ना करूं, अगर कर दिया तो 2 करोड़ मेरे हाथ में होंगे। इस तरह से बालू कुछ अपने फायदे के बारे में सोचने लगता है और दूसरे दिन बालू रघु के पास जाता है और तभी रघु बालू को 1 करोड़ रुपए दे देता है। इस तरह से रघु बालू को अपने प्लान में शामिल करता है। खर्च के बाद बालू रघु से पूछने लगता है, सर क्या आप अपनी पत्नी को पैसों के लिए ही मारे हैं ना? तो रघु बालू से कहने लगता है, अरे पागल वो पैसा मेरा ही है जो माया मुझसे छीन के बैठी है। उसके बाद रघु बालू को अपनी कहानी बताने लगता है। 5 साल पहले रघु अपने गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में था और इस लड़की का नाम होता है रिया और रघु ने रिया को हीरोइन बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक 3 साल बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी रघु ने रिया को कोई चांस नहीं दिया। इस तरह से रघु रिया का फायदा उठा रहा होता है और तभी उसी वक्त माया वहाँ पर आती है और रघु को इस हाल में देख लेती है। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है और वह रघु को एक झापड़ भी लगाती है। घर आने के बाद रघु नाटक करने लगता है, माया के पैर पकड़ने लगता है और उससे कहने लगता है, पता नहीं उसी लड़की ने मुझे फंसाया है, उस लड़की ने मुझे कुछ पिलाया था और मैं टेम्प्ट हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माया। इस तरह से नाटक करते हुए रघु अपने आप को जख्मी भी कर लेता है। जब माया रघु के लिए बैंडेज लाने के लिए अंदर जाती है तभी उसी वक्त एक और हीरोइन रघु को मैसेज करती है और रघु को बताने लगती है, कांग्रेचुलेशन सर, उस बड़े हीरो ने आपकी फिल्म को ओके कर दिया, क्या हम मिल सकते हैं? तो रघु रिप्ले में उसको श्योर कहकर सेंड कर देता है। उसके बाद रघु उस हीरोइन से किसी होटल में मुलाकात करता है और रघु उस हीरोइन को अपनी बातों में फंसाकर उसका फायदा भी उठाने लगता है और इस तरफ बेचारी माया अपने घर में पूजा पाठ करने लगती है बच्चे होने के लिए। तक इतनी बड़ी हो चुकी है, इसे ये भी नहीं पता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। खैर जब ये लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं कि तभी माया रघु के फोन में एक मैसेज देखती है और ये मैसेज देखकर माया के होश ही उड़ जाते हैं। उस मैसेज में ये होता है कि रिया प्रेग्नेंट है। वाह, माया पूजा करे और रिया प्रेग्नेंट हो। उसके बाद क्या था, माया सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन माया का फादर माया को बचा लेता है और माया रघु से डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन माया का फादर माया को मना करने लगता है क्योंकि अब इन दोनों ने डिवोर्स लिया तो ये बात मीडिया में फैल जाएगी। सो रघु को रास्ते में लाने के लिए माया का फादर रघु की सारी प्रॉपर्टी माया के नाम करवा लेता है। इस तरह से रघु की सारी प्रॉपर्टी माया की हो जाती है। उसके बाद एक दिन रघु किसी बार जाता है ड्रिंक वगैरह करने के लिए, लेकिन जब बिल पे करने की बात आती है उस वक्त रघु के पास जो कार्ड होते हैं उनमें से एक भी वर्क नहीं करता। जब वो अपने मैनेजर को कॉल करता है तो बाद में इसे ये बात पता चलती है कि माया ने रघु के सारे कार्ड्स को ब्लॉक करके रखा है और तभी उस बार का मैनेजर आता है और रघु से कहने लगता है, सर आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो ना, कल आके पैसे पे कर देना। और घर आने के बाद रघु माया पर चिल्लाने लगता है, क्यों तुमने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिया, मेरी लाइफ है, मैं जिस तरह से जीऊँ तुम्हें क्या। लेकिन माया भी कहने लगती है, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है और लास्ट मंथ तुमने 30 लाख का खर्चा किया फिजूल पार्टी वगैरह करके। और इसी बातों ही बाद में रघु माया को अपने घर से दफा होने के लिए कहता है, लेकिन माया भी कहती है, अब ये मेरा घर है, अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो तो तुम मेरे हिसाब से रहो वरना यहाँ से चले जाओ। और अपनी प्रॉपर्टी वापस हासिल करने के लिए रघु ने माया को मार दिया। इस तरह से जब रघु और बालू ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी बालू के गले में से एक रिकॉर्डर बाहर आता है और रघु पूछने लगता है, ये क्या है, क्या तुम मेरी बातें रिकॉर्ड कर रहे हो? तो बालू कहने लगता है, अरे सर आप मुझे गलत मत समझिए, मैं जब कभी भी किसी से बात करता हूँ तो मैं ये रिकॉर्डर अपने गले में पहनता हूँ उनकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए। राइटर होना कहानियों के कुछ इंस्पिरेशन मिलती है मुझे और सर मैं आपकी कहानी को एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। लेकिन रघु कहता है, कोई जरूरत नहीं, पहले तुम उस रिकॉर्डर को डिलीट कर दो फौरन। लेकिन बालू कहता है, ठीक है सर मैं इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूंगा और मैं इस कहानी को फिल्म भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसके बदले आप मुझे 50 करोड़ दे देना। अरे सर आपको 150 करोड़ आ रहे हैं, उसमें से 50 करोड़ मुझे दे देना। लेकिन रघु इस बात के लिए मानता नहीं और वो जबरदस्ती बालू के गले में से वो रिकॉर्डर छीनने की कोशिश करता है। इस तरह से इन दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होने लगती है और इसी हाथापाई के दौरान मौका देख के बालू रघु के पेट में स्टैब कर देता है, लेकिन किसी भी तरह करके रघु फाइनली बालू को मार देता है और बहुत बुरी हालत में रघु किसी जगह पे जाके बैठ जाता है
और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और ये लड़की और कोई नहीं चांदनी होती है। जी हाँ, रघु की असिस्टेंट डायरेक्टर। चांदनी को देखकर रघु चांदनी से रिक्वेस्ट करने लगता है, चांदनी प्लीज एम्बुलेंस को फोन करो, मुझे बचाओ, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन चांदनी अपने मुंह से कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद रघु चांदनी को अपने बातों की जाल में फंसाने की कोशिश करता है कि माया के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आएगी और नॉमिनी की तरह मैं तुम्हारा नाम लिखने वाला हूँ, मतलब मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी। यह सुनने के बाद चांदनी अपना मुंह खोलती है और रघु को बताने लगती है, तुम्हारे जैसों का क्या भरोसा, कल तुमने अपनी बीवी को मार दिया और अपने आप को बचाने के लिए तुमने बालू को मार दिया और यह साला बालू लव के नाम पे मुझे धोखा दे रहा था और किसे क्या पता कल तुम मुझे भी मार दो। देखो बेटा, बेहतर इसी में है कि तुम सुकून से मर ही जाओ, हेल इज वेटिंग फॉर यू। और देखते ही देखते रघु मर जाता है। रघु मरने के बाद रघु का लॉयर चांदनी को कॉल करता है, मतलब ये सारा कांड चांदनी और रघु के लॉयर का ही है, मतलब चांदनी ने बालू को इस प्लान का मोहरा बनाया और उस लॉयर ने रघु को। उसके बाद चांदनी वो बैग और वो रिकॉर्डिंग लेकर वहाँ से चली जाती है और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि चांदनी ने रघु की कहानी को एक फिल्म बनाया और उस फिल्म की डायरेक्टर खुद चांदनी है। इस तरह से चांदनी एक रियल इंसिडेंट लेकर बहुत बड़ी डायरेक्टर बन जाती है और इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।